हेलो एवरीवन, तो आप लोग सोच रहे होंगे ब्यूटी गांव आ गई क्या, एक भगवान ही दिख रहा है। तो हम गांव नहीं आए हैं, और ये अपना जो भी है सब्जी आप लोगों को पीछे दिख रहा है वो हम अपने घर में ही लगाए हैं, अपने बालकनी में। और ये जो पौधे देख रहे हैं ना, ये हम खरीद के एक भी नहीं लगाए हैं, ये वाले सारे पौधे हम नीचे जाते हैं टहलने, तो लेके मैंने जिसकी टहन लगती है डंठल इसको तोड़ के ला के हम यहाँ लगाए हुए हैं। इस बालकनी के सारा पौधा हम खुद से तैयार किए हुए हैं, खरीद के हम नहीं लगाए हैं, आप लोग से एक एक करके हम दिखाते हैं। और ये जो आप लोग पीछे दिख रहा है ना, ये दोनों गमले में, ये और ये टमाटर है जो हम सब्जी बनाने के लिए टमाटर यूज़ करते हैं ना, उसी को हम क्या किए थे बीज में से निकाल के हम गिरा दिए थे, तो ये तैयार हो गया था। तो फिर हम मेसो से ना गमले ऑनलाइन करके और हम टमाटर लगा लिए हैं। और ये परवल है, परवल कलतर है, देखते हैं इसमें से पचकी आता है कि नहीं। हम तो पचकी बोलते, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, तो देखते हैं हो पाता है या नहीं। और हम अरबी लगाए हैं और ये मिर्च लगाए हैं, गोल वाला मिर्च है, देखते हैं वो भी हो पाता नहीं, बट हो जाएगा क्योंकि वो देखिए लग चुका है, उसमें पत्तियाँ भी आ गई है। और वो अरबी के पत्ते हैं जिसका कोंच बनता है, आप लोग तो शायद पत्ते की कुछ बोलते हैं, मैंने हर जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। और हम आप लोग को सब दिखा रहे हैं पीछे से, पीछे कमरे करके, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसा लगा। और जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास स्पेस नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, तो सब कोई कर सकता है। देखिए मेरे बालकनी में भी कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है, यहाँ मशीन है, यहाँ हम कपड़े भी धोते हैं, फिर भी इतना सारा हम गमले लगा लिए हैं। और सामने भी ये दिखा रहे हैं आप लोगों से, तो आप लोग अपने घर में लगा सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आदमी करना का चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, छोटा घर हो या बड़ा घर हो, करने के लिए चाहे तो कुछ भी हो सकता है, छोटे घर में या बड़े घर में, बस मन हो, करने का लगन हो तो आदमी कर सकता है। तो देखिए हम इतना सारे सब्जियाँ लगा ली हैं, मेरे बहुत ही अच्छा लगता है, हम अपना सेवा इसके करते रहते हैं। और इधर भी बहुत सारे पौधे हैं, और नींबू भी ना जैसे मौसमी खाते हैं ना, तो बीच में हम लोग का तबीयत ख़राब था तो मौसमी आता था, तो हम लोग मौसमी खाते थे ना, तो हम मौसमी के सारा बीज ना गमले में डालते हैं, गंडा मिलते हैं, जिससे मौसमी जम गया और इतना बड़ा हो गया मौसमी, वो भी हम आप लोगों से दिखा देते हैं। तो आप लोग भी आप अगर जो गांव से उनके द्वार पर जगह होता है, आप भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, और अच्छा भी लगेगा, फल भी मिलेगा, सब्जियाँ भी खाने को मिलेगा, तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। और हम आप लोग से दिखा रहे हैं कि हम क्या क्या अपने घर में लगाए हैं। तो सबसे मेरा पहला पौधा है जेट प्लांट, तो ये हम ना ये भी हम लगाए नहीं हैं, मैंने खरीद के ये ना हम किसी पड़ोसी से मांग के लगाए हैं, तो इतना बड़ा ये तैयार हो गया मेरा जेट प्लांट। और ये है मेरा मौसमी का पौधा जो हम खा के डाल दिए थे गमले में, तो तैयार हो गया, और नीचे एक जम गया है ये गेंदे का फूल, और इसका नाम नहीं पता है गाइस मेरे को। और ये जो गमले हैं ना, जो हम लोग पहले गमले खरीदते थे ना और फिर इसमें चेंज करवाए कर किए थे, तो ये सारे पुराने वाले गमले ना हम ले लेते थे, और इसका आज हम बना दिए थे। गुस्सा करते हैं क्या करती हो बालकनी का, बट हम बोलते हैं कि क्या हो गया, यूज़ में आ रहा है, कुछ मिल रहा है इससे खाने को, अच्छा देखने को लग रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो ये मेरा इतना लग चुका है, और ये भी एक सूर्यमुखी जैसा फूल, मैंने अच्छा लगता है इसका फूल, तो एक ये है, इसका नाम नहीं पता है मेरे को, सारे पौधों का नाम नहीं पता है। और ये चंपा का लगाए हैं, नीचे से तोड़ के लाए थे हम, और ये दस बजिया होता है ना उसी में का एक अलग वैरायटी है, येलो और रेड आता है, दो है, ऊपर जो भाभी है ना उनसे मांगे थे हम इसको। और इसमें हम मिर्च का बीज गिराए थे, देखिए नीचे छोटा छोटा है, और हम लगा लिए हैं इसमें से बड़ा जो हुआ था, तो ये है। और इस गमले में हम मिट्टी तैयार करके रखे हैं, बैंगन का बीज गिराए हैं, और तैयार होगा तो लगाएंगे। और एक यहाँ पे पौधा है, देखिए इसमें कितने छोटे छोटे पत्ते के ऊपर भी ये पौधे निकल आए हैं, इसको भी अब तोड़ के लगाएंगे ना, इतना छोटा तो ये लग सकता है। ये भी हम खरीदे नहीं हैं, लाए थे कहीं से, तो लगाए हैं बगल वाले सोसाइटी में, मंदिर के पास गए थे ना आरती में, वहीं से हम लाए थे। और ये पुदीना है, ये भी हम भाभी से ही मांग के लाए थे, तो इतना सारा तैयार हो चुका है, इसका भी टहनी काट के हम लगाएंगे। तो अगर मन में लगन हो करने का ना, तो आदमी कर सकता है कुछ भी, तो मेरे को अच्छा लगता है तो हम लगाए हैं। और ये सदाबहार है, ये हम टहलने गए थे तो वहाँ से लेके आए थे नीचे से ही। और ये बोगनवेलिया है सर, हाँ यही नाम है इसका, जो इसमें ना वाइट कलर का फूल आता है, पिंक भी आता है, पिंक वाला भी है, वो अभी आप लोग हम दिखा देंगे नेक्स्ट ब्लॉग में है, उस बालकनी में, इसलिए आज इस बालकनी के बना रहे हैं, उस बालकनी के हम कल बनाएंगे। और ये स्वीट पोटैटो है, ये हम सोसाइटी से बाहर गए थे ना, तो बगल में एक अपार्टमेंट बन रही है, इसमें से हम ले कर आए थे, ये मेरे सोसाइटी से नहीं था, तो वहाँ लगा था ना साइड में, तो हम एक टहनी तोड़ के लाए थे इसकी, मैंने इसके जो लत्तर है ना यही लगता है, तो हम एक ले लिए थे। और ये भी हम नीचे से ही लाए थे, इसमें जो भी प्लांट है ना खरीदा हुआ नहीं, सब हम ला के ही लगाए हुए हैं।
और जो गमले अभी है ना सब ख़रीदा हुआ नहीं है, ये सब मन वेस्ट गमले हैं। तो एक गुस्सा होते हैं कि क्या कर दिया वल्कनी का, मतलब कोई नहीं, जैसे जैसे तैयार होगा और सूखने पे आएगा ना तो हटा देंगे हम गमले धीरे धीरे करके। तो ये की जा रहा था ना तो हम इसके ऊपर से तोड़ दिए, इसके से ये है ना ये हम तोड़ दिए ना, तो ये दो हो गया और दो भाग में हो गया, इतना प्यारा हो गया, इसका कलर इतना प्यारा लग रहा है। और एक ये पौधा है, हम गए थे ये गमला लाने ना तो अंकल के पास ये सूख रहा था, तो हम अंकल से बोला अंकल मेरे को ये दे दीजिए, हम पानी डाल के इसको अपना अच्छे से कर लेंगे। तो ये तैयार हो चुका है, अभी इसको हम मिट्टी डालना है, जैसे लाए तो वैसे ही है रखा हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये लोग खरीद के ही आते हैं बट मेरे को दे दिए अंकल हम बोले तो। और एक कनेर का पौधा है, पिंक कलर, व्हाइट कलर और रेड कलर तीन है, कनेल नहीं मैंने कनेल टाइप का ही दिखने में है, फूल इसमें अलग आएगा, फूल आएगा तो आप लोग से एक बार दिखाएंगे। तो ये तो लग चुका है, ये अभी दूर लगा नहीं लगा हुआ है, तो देखते हैं होता है या नहीं होता है। और आप लोग हम दिखा रहे हैं ये अड़हुल का पौधा है, ये भी हम सोसाइटी से लेके आके लगाए थे, तो ये भी पच की आ गया है, अब देखते हैं फूल कब तक आता है। और ये बोगनवेलिया जिसमें इसमें पचकी आ गया है, ये ना पिंक कलर वाला है, और उसका जो साइड में ये दिख रहा है ना ये वाला वो वाइट है, और ये भी वाइट वाला है। तो इतना सारे मेरे पौधे तैयार हो चुके हैं। और ये परवल है बताए थे, इसमें हम कुछ नहीं रखे हैं, ये हम मिर्च वो क्या बोलते हैं बैंगन के लिए तैयार कर रहे हैं इस पॉट को। और ये है मेरा टमाटर जो हम बोले थे किचन के टमाटर उगाए हैं यहाँ पे हम। और ये है मिर्च, गोल वाला मिर्च, देखते हैं ये होता है नहीं होता है, ऐसे तो दो सूख गए हैं, एक तैयार हो गया, ये तो हो जाएगा, इसी से हम बीज बना लेंगे। और यहाँ पे हम लगाए हैं पालक और धनिया, पास में चल के आप लोग से दिखाते हैं, और वो है अरबी, तो चलिए आप लोग से पास में चल के हम दिखाते हैं वहाँ से। सो दोस्तों इसमें हम पालक लगाए हुए हैं, जिसमें से ना पालक अभी अब आएगा, आ रहा है, और इधर धनिया है, आधा हम पालक आधा धनिया, जैसे डिवाइडर यहाँ पर हो भी किया है, यहाँ पर मन दरार आ गया है क्योंकि दो जगह हम मिट्टी डाल के दिए थे, तो उधर धनिया लगाए थे, इधर पालक दो दिन ही हुआ लगाए हुए, और इसमें हम अरबी लगाए हैं पत्ते वाला, इसको भी हम एक हफ्ते हुए लगाए हुए, तभी इसमें पत्ते आए नहीं हैं, धीरे धीरे सेट कर जाएगा तो आएगा। और इसमें ये लगाए, नाम नहीं पता, नाम कुछ दिनों में सबका जान जाएंगे, फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। तो इतने सारे मेरे पौधे तैयार हो चुके हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि पौधे लगाना है तो पैसे लगेगा, बस हाँ आप लोग का पैसा लगेगा तो ये मंगाने में लगेगा, ये पोट गमले जो कॉस्ट आएगा, बस ज़्यादा खर्च नहीं आता है, मेरे मतलब सेल चल रहा है तो ऑफ़र है तो आप लोग ले सकते हैं। तो देखिए इसका इसमें जो भी लगा हुआ है मेरा सब फ्री के पौधे हैं, और अच्छा भी लग रहा है, बालकनी में से खाले छोड़ने से क्या मतलब है, उससे बढ़िया इसके यूज़ कर लो। और भी हम बैंगन का बीज गिराए हुए हैं, मिर्च का बीज गिराए हुए हैं, परवल का बीज गिराए हैं, परवल का जो बीज तो होता है लत्ता ही लगता है बट गिरा दिए, वो तभी भी अच्छा ना हो तभी भी अच्छा कोशिश किए हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हाँ अपने घर में पौधे ज़रूर लगाइएगा, अच्छा लगता है, हरा भरा घर लगता है। और आप लोग मेरी कल हम कोलैबोरेशन किए थे अपने फिश टैंक का, अगर आप लोग को देखना चाहते हैं कितनी सारी मछलियाँ कैसी हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर एक ब्लॉग बना देंगे। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग के यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।